महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर के पास स्थित मार्कंडेश्वर महादेव 84 महादेवों में 36वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मृकंडू नामक मुनि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव तब भी प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती ने कहा, पतिदेव, इसके तप के प्रभाव से पृथ्वी पर अकाल आ जाएगा। तब शिवजी ने कहा, यह मुनि इंद्र के समान आयोनिज पुत्र चाहता है। पार्वती ने पुनः निवेदन किया कि भगवान, इसके तप को देखते हुए इसे पुत्र प्रदान करो। तब शिवजी ने कहा, यदि मृकंडू मुनि महाकाल वन में जाकर पत्नेश्वर के पूर्व में स्थित लिंग की पूजा करे तो इसे पुत्र प्राप्त होगा। तब पार्वती के कहने पर मृकंडू महाकाल वन में आए और उन्होंने इस लिंग की पूजा की। कुछ समय पश्चात शिव पार्वती उधर से निकले। मृकंडू को पूजा करते देख वे लिंग में प्रकट होकर बोले, हे मुनिवर, तुम्हें आयोनिज पुत्र प्राप्त होगा, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। तब वहीं मार्कंडेय उत्पन्न हुए। उन्होंने पैदा होते ही शिव की आराधना की, इसलिए यह लिंग उनके तप से मार्कंडेश्वर कहलाया। मार्कंडेश्वर की पूजा से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।